अगर आप भी एक्सेल में कुछ इस तरीके से जादू दिखाना चाहते हैं, इस तरीके से कैलेंडर बनाकर अपने बॉस या अपने सीनियर कलीग्स को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप इजी स्टेप्स में समझेंगे कि एक्सेल में इस तरीके से आप कैलेंडर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये एक्सेल शीट है, इसमें आप सबसे पहले तो एक हम नई एक्सेल शीट ऐड कर लेते हैं, जिसको हम यहाँ पर रीनेम कर लेते हैं और यहाँ हम इसे वैलिडेशन नाम दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ हम लिखते हैं मंथ, जिसमें हमें मंथ चाहिए होंगे, हम लिख देते हैं जनवरी। और उसके बाद इसे हम ट्रैक कर देते हैं नीचे तक, दिसंबर चाहिए। यहाँ पर वैलिडेशन के लिए हमें ईयर भी चाहिए होगा, तो हम 2020 से स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग ईयर और रख सकते हैं। 2020 से हम ये आगे ले लेते हैं। यहाँ पर हमने प्लस वन करके ऐड कर लिया है और ये हमारे आगे जो ईयर है वो आ गए हैं। उसके बाद आप शीट वन में हम आ जाते हैं। यहाँ पर अब हमें वैलिडेशन लगाना है। वैलिडेशन लगाने के लिए आप शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस ए प्लस बी प्लस बी से भी लगा सकते हैं। और अगर आप यहाँ डेटा टैब में जाएंगे और डेटा टैब में यहाँ वैलिडेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डेटा वैलिडेशन आता है, इस पर सेलेक्ट कर दीजिए। ये डायलॉग बॉक्स आपके आगे आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर इज इक्वल टू कर देना है और आप वैलिडेशन वाली शीट में आकर आपको ये मंथ सेलेक्ट कर लेना है। ओके कर दीजिए। उसके बाद एक दो तीन चार, चार कॉलम छोड़ के आप यहाँ पर एक और वैलिडेशन दोबारा से लगा लीजिए। फिर से अगेन डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद वैलिडेशन में डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें आप लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए और फिर से यहाँ पर इज इक्वल टू देकर वैलिडेशन में जाकर आप ये ईयर सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। ऐसा करने पर अब आप देखेंगे यहाँ हमारे मंथ आ गए हैं और यहाँ हमारे ईयर्स आ गए हैं। अब ये मंथ के जो नेक्स्ट चार कॉलम है इसे आप मर्ज कर दीजिए। इसके लिए आप होम टैब पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा मर्ज सेंटर का, इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर इसे आप यहाँ से सेंटर पे कर दीजिए और बोल्ड करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं येलो कलर यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर कोई भी मंथ सेलेक्ट कर दीजिए, फिलहाल हम जुलाई कर देते हैं। सेम वे ईयर है, इसको हमें नेक्स्ट थ्री कॉलम तक मर्ज करना है, तो वापस से होम पे जाएंगे, यहाँ मर्जिंग सेंटर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ मिडिल पे क्लिक कर देंगे। इसे बोल्ड करने के बाद इसको भी आप कोई भी कलर आप दे सकते हैं, फिलहाल के लिए हम ब्लू कलर दे रहे हैं। यहाँ आप कोई भी ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल मैं 2023 यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये करने के बाद आपको सबसे पहले A1 सेल पे आ जाना है और यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको टाइप करना है, इज इक्वल टू देकर आपको लिखना है डेट। तो ये डेट वैल्यू आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा। उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर आपको डबल कोट्स में लिखना है 1, फिर डबल कोट्स में क्लोज करके कॉम, आपको यहाँ पर एंड का सिंबल देकर आपको पहले ये B3 सेल का रेफरेंस देना है, फिर एंड का सिंबल देकर आपको F3 सेल का रेफरेंस देना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ऐसा करने के बाद अब यहाँ पर एक डेट आ गई है हमारी। इसे अब आपको फॉर्मेट में जाना है, तो आपको Ctrl+1 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से और ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा आपके आगे। इसमें आप कस्टम पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ जनरल में यहाँ पर 3 बार आप सेमी कॉलन प्रेस कर दीजिए, 1, 2, 3 और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपकी जो डेट है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो अब इसके बाद आपको यहाँ पर इस कर्सर रखना है A1 सेल पर और यहाँ ऊपर इससे रेंज नाम दे देना है। तो अभी फिलहाल के लिए हम डेट इसे नाम दे दे रहे हैं, ये हो गया। इसके बाद आपको यहाँ आना है B4 सेल पे, अपने कर्सर को लेके जाना है और यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप करना है, इक्वल टू सीक्वेंस। सीक्वेंस करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पूछेगा रोज, तो हमारी 6 रो होने वाली है। कॉमा देकर कॉलम पूछ रहा है, कॉलम 7 होने वाले हैं। उसके बाद स्टार्ट कहाँ से करना है, तो उसके लिए आपको डेट जो हमने नेम रेंज बनाई है वो लिखना है, फिर माइनस देकर आपको लिखना है यहाँ पर वीक डे, ब्रैकेट ओपन। वीक डे के में आपको सीरियल नंबर देना है, तो यहाँ पर अगेन आप डेट दे दीजिए, फिर कॉमा देकर यहाँ पर रिटर्न टाइप में आपसे पूछेगा, तो हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं,
और आप संडे तक जाएंगे, तो यहाँ पर हम सेकंड सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर आपको प्लस वन कर देना है और कॉमा देकर स्टेप में वन करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। ऐसा करते ही आप ये देखेंगे कि ये आपके सिक्स, जो हमने सिक्स रोज दी थी और सेवन कॉलम दिए थे, उसमें ये डेटा आ गया है। उसके बाद आपको ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है, फिर से कंट्रोल वन प्रेस कर देना है अपने कीबोर्ड से, और इस बार कस्टम में जाकर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है डी डेज के लिए। ओके कर देंगे तो ये देखिए डेज में आ गया। ठीक है, अब हमें इसे फॉर्मेट करना होगा और ये जो एक्स्ट्रा डेज आ रही हैं इन्हें हमें हटाना होगा या फिर हमें ऐसा कुछ करना होगा ताकि ये दिखाई ना दे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर चले जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पर आपको जाना है न्यू रूल पे। न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद आपको ना यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पे, और यहाँ पर इज इक्वल टू देकर आपको फॉर्मूला लिख देना है एक। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है मंथ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर लिख देना है आपको सेल का रेफरेंस बी फोर ब्रैकेट क्लोज नॉट इक्वल टू मंथ ब्रैकेट ओपन और डेट जो हमने रेंज बनाई थी डेट की स्टार्टिंग में वो। फिर आपको फॉर्मेट में चले जाना है, और फॉर्मेट में जाने के बाद आपको आ जाना है नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करके कस्टम में, और यहाँ पर इसे भी आपको तीन बार सेमी कॉलन लगाकर इनविजिबल कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे ये देखेंगे एक्स्ट्रा डेट जो भी थी वो आपकी हट चुकी है। अब हमें सिर्फ मंडे टू संडे के लिए हमें करना है, तो एक रो यहाँ पर हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस से एंटर कर लेंगे, और ये वाला जो फॉर्मेट है इसे हम सिलेक्ट करके कंट्रोल आर के साथ राइट साइड में ड्रैग कर देंगे। अब सिंपल यहाँ पर हमें मंडे टू संडे तक लिखना है, तो हम भी फिलहाल के लिए एम फॉर मंडे, ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे इस तरह से लिख लेते हैं। इसको अब आपको सेंटर पे कर देना है और बोल्ड कर देना है। आप यहाँ से चाहें तो इसे भी कोई भी कलर दे सकते हैं, फिलहाल के लिए हम ये कलर दे रहे हैं, और फॉन्ट कलर भी आप कोई भी दे सकते हैं, फिलहाल के लिए हम वाइट फॉन्ट कलर दे रहे हैं। अब आप देखेंगे कि आपका कैलेंडर बन चुका है। ये देखिए, आप यहाँ पर कोई भी मंथ सेलेक्ट करें और इस तरीके से ये आपका कैलेंडर बन चुका है, जिसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इन डेट्स को भी आप फॉर्मूले के थ्रू फर्दर यूज में ला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो भी एक्सेल से रिलेटेड काम करते हैं शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की और यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।